लोगों असी देखते सके उतरते गड्डिया कारा के बड़िया बड़िया के सोचते सके कि यार जॉब वाले बंदे तो हो नहीं सकते है उन्होंने अपना बिजनेस होंगे एक अपना एटीट्यूड हों के साथ अंदर भी भाजी इदा ही होया कि सानू भी कुछ ना कुछ तो अपना करना पड़ेगा जॉब करा तो फिर उत्थे तक नहीं पहुँच पावे जी। ये मैं हैदराबाद से आया हूँ पिछले हफ्ते, मेरे दोस्त है उन्होंने बताया यहाँ देसी घी से बनता है, तो पिछले एक हफ्ते से हर रोज़ आ रहा हूँ लेके जा रहा हूँ मैं खाने। मैं नौजवानों को देखे बस उस करके मैं आई हाँ, तो स्पैशल टिक्की तो हर जगह मिल जाती है पर लेकिन ऐसे बच्चे कितने नहीं मिलते, वो भी मेहनती खुशबू सी ये टिक्किया की रोपड़ तक पहुँच गई तो अड्डे तक अच्छ पहुंची है आई काफ़ी दिन टाइम नहीं मिले सा बिजनेस का कहना पट्ठे का कम है साड़ा, मैं पट्ठे जाना तो मैं 10 दिन बाद टाइम मिले जी, 10 दिन हो गए मैंने पता लगे अच्छ मैं छुट्टी तो अभी गया नहीं हाँ वधिया लगे बेटा बच्चा मेहनत कर दे ना बहुत वधिया लगे मैंने भी पंजाब पंजाबीयत नूं प्यार करन वाले सारे ही दर्शकों का मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों निघा स्वागत करदा। जे गल करिए अज असी मोहाली शहर के 11 फेस की गल करते हैं गे, इधर मेरे पिछे तुसी देख सकते हो 11 फेस का गुरद्वारा साहब आ सिंह सभा गुरद्वारा साहब आ, तो गल करिए उस दे बिल्कुल सामने पार्क आ, एक बार रजिंदर पार्क दीआं तस्वीरां दिखा दे, ये जिहड़ा पार्क आ पार्क के बिल्कुल जे नाल दी गल करिए इत्थे मेहनत करन वाले जिहड़े कहिंदे ने पंजाबी आ पंजाबी जिथे भी जांदे आ तां अपनी मेहनत का फल जरूर उन्हां नूं मिलदा गा, मेहनत का मुल जरूर मोड़दे ने। इत्थे अज गलबात करांगे इत्थे दो भरा ने जिहड़े कि अपनी एक स्टॉल लाउंदे ने जिस स्टॉल का नाम रख्या है लव पंजाब, गलबात करांगे मणि ते गुरी जिहड़े कि दो दोस्त ने पर भरावां नालों वध प्यार आ इहनां दे नाल, तुसीं देख सकदे होंगे अपनी स्टॉल लगाई हुई है इन्हां दी, गलबात करांगे कित्थों डिग्री करी आ की काम करदे सी इस तों पहलां। बई जी पहलां तां स्वागत आ भाजी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बई गल उत्थों स्टार्ट हुंदी आ, हर एक जिहड़ा कामयाबी दा राह हुंदा उसदे पिछे बड़ी मेहनत हुंदी आ करनी, तुहाडे कित्थों स्टार्टिंग हुंदी आ? साडी स्टार्टिंग देखो पहलां तां असीं कहांगे पढ़ाई दे नाल नाले साडी स्टार्टिंग हो गई सी काम दी कि यार बिजनेस करना, असीं दस्सिया ही सीगा पहलां वाली इंटरव्यू दे विच कि जदों मतलब कि लोगों असी देखते सके उतरते गड्डिया कारा के बड़िया बड़िया के सोचते सके कि यार जॉब वाले बंदे तो हो नहीं सकते है कि इन्नी ज़्यादा मतलब, फिर उन्होंने पूछते भी सके असी एक दो जण कि यार तुसी कि अपना किदा मतलब इतने तक तुसी पहुँचे कि उन्होंने अपना बिजनेस होंगे एक अपना एटीट्यूड हों देख के साडे अंदर भी भाजी इदा ही होया कि सानू भी कुछ ना कुछ तो अपना करना पड़ेगा जॉब करांगे तो फिर उत्थे तक नहीं पहुँच पावे जी। जी 11 फेस की गल करिए मोहाली की गल करिए मोहाली बड़ा अजिहा शहर आ गया चंडीगढ़ के नाल लग जाता, महंगा भी कहा जाता मोहाली है ना, तो इतने एक रेहड़ी लाई है, रेहड़ी तो खर्चा पानी पूरा हो जाता घर बार का सारा कुछ? देखो घर बार की दस्या ही पहला घर बार तो सारा ओके रिपोर्ट है जी, साढ़े दोनों की फैमिली कि घर के कदे पैसे वगैरह सब तो मंगते नहीं है कि तुम दो, वो कहें अपनी लाइफ सैट कर लो सानू यही बहुत वड्डी साडे लई गल है, जे असीं धक्के नाल भी कहने भी यार थोड़े बहुत असीं पैसे फड़ाए पर वो लेंदे नहीं है, कदे होया कदे फड़ ले मम्मी नूं धक्के नाल कदे फड़ाया है, वो कहिंदे भी असीं अपनी सैटिंग कर लेंगे भी तुसीं अपने अगे फ्यूचर की सैटिंग करो तुसीं, ते इत्थे दा जिहड़ा खर्चा पानी सर असीं चलाई जांदे आ इत्थे 8000 तकरीबन रूम का रेंट रेंट है 11 फेज के जिहड़ा लिया होया, ते इदां भी जे वेले बह के देखो वेले बह के तां कितें भी जाइए आपां तां खाणा पीणा भी नहीं पूरा हुंदा हैगा, जे काम करांगे तां ही इत्थे खर्चे पानी पूरे होणगे, लॉकडाउन दे विच भी इदां ही काम करके असीं ने देखिया भी जिस टाइम साडे लवे भी हाँ भी काम सारे बंद हो गए मतलब टोटली काम बंद हो गए, तो उस तों बाद अपना कीता मतलब चाह चू का काउंटर लाया सीगा कुछ होर लाया सी काम कीता सीगा, इदां ही खर्चे पानी चलाने तां चलदे ही रहिंदे ने जी,
खर्चे पानी, पर मेन गल यह है देखो जिन्ने बंदे जिते जिन्ना जिन्ना उपर जाते जावे उन्ने ही अपने खर्चे बढ़ते जाई जाते हैं जी। जे भाई गल करिए लॉकडाउन की गल करिए, लॉकडाउन के बड़े मंदे हाल हो जिहड़े को जमीन सी वह भी एक बार भुखमरी से आ गए सी की लग्या उस वक्त कोई गाहक टुटिया कोई गाहक घटिया उस वक्त? देखो सब तो पहला तो कस्टमर का फर्क बहुत ज़्यादा पैंदा क्योंकि साढ़े लिए जिहड़ा आपां फास्ट फूड का खाना अपने को ठीक है जी, ड्रिंक्स वगैरह का काम आउंदा लोगों को साडे गले ते इफेक्ट पैंदा ठंडे का क्योंकि ठंडा ड्रिंक्स हुंदी अपनी ते टिक्की वगैरह का होर चीज़ों का काफ़ी तो मतलब लोगों को लगता क्योंकि उस टाइम एक मन च पूरा डर बैठ गया सी लोगों के कि यार कोई चीज़ बाहरों तो खानी ही नहीं जे खानी तो घर की खानी तो ये करके काम का बहुत ज़्यादा फर्क पिया सीगा। असी पालक रोल भी बेचे सी लॉकडाउन के रूम के तैयार करते सीगे ते तैयार करके असी तकरीबन इत्थे जिन्ना भी साडा फ्रेंड सर्कल सीगा मतलब अपने कस्टमर का असी ग्रुप बना लिया सीगा कि जे किसी चाहिए तो सानू फोन कर दो असी होम डिलीवरी जिवें चार ऑर्डर हो गए पांच ऑर्डर हो गए वो तुहाडे रूम के असी पहुँचा आवांगे मतलब कुछ ना कुछ तो करते रहे कि वेले नहीं बैठे है जिवें तुहानू दस्सिया सी नारियल पानी भी लाया सीगा साने ते एक दो चीज़ा होर गया वैज रोल वगैरह हो गया साडा ये भी रूम के पहला तो उधर काम कुम करके असी तकरीबन मंडी मुंडी के काम कुम करके सवेरे शाम को मतलब थोड़ा बहुत असी देखते भी चल यार थोड़ा बहुत होर नहीं जे चल खर्चा पानी होर निकल आए जे अपना निकल आए तो वह पूरा कर लिए असी वैदा ही चलती रही जी जिंदगी मतलब कुछ जे आप लॉकडाउन की गल करिए फिर आप रेगूलर रूटीन की गल करिए देखो जे कुछ करा मिले फल तो वह फिर ही मिलेगा अगर घर बेले बैठा रहेंगे बेशक कोई लॉकडाउन होया बेशक को हुण दे दिन होए वो बंदे ने अज भी यूट्यूब पर या नैट पर बह के उन्होंने वीडियो देख के टाइम खराब कर देना साडा तकरीबन मैं थोड़ा दस देना चाहना असी पूरे दिन के तकरीबन अद्धा घंटा फोन यूज़ करता वह भी असी इतों काम खत्म करके ना तो जो 10 बजे रूम च पहुँचते हैं बस अद्धा घंटा असी रैसट करने के टाइम फोन देखते हैं बाकी पूरा दिन असी फोन देखते जो किसी का फोन आता तो देखते तकरीबन व्हाट्सएप के मैसेज देखने का भी टाइम नहीं होता भाजी साढ़े को। सो ये बड़ी वड्डी गल आ गई अज हत्थां दे विच एंड्रॉयड फोन ने हर किसी के तो जे बाई की गल करिए बाई कहना कि असी सिर्फ अद्धा घंटा फोन देखते हैं फोन के नाल फायदे भी बहुत ने पर नुकसान सब तो बड़ा फोन करा रहा साडा टाइम जिहड़ा समां गा बर्बाद जिहड़ा फोन ते हुंदा सब तो वध तो जे गल करते हैं इतने थोड़े गाहक भी आए हुए हैं उन्होंने भी गलबात करते हैं बई जी अज पहली बार आए को रेगूलर आने इतने मैं तो फस्ट टाइम आया जी। ये नौजवान दो काम कर रहे हैं पंजाब के नौजवान ने सिरां ते पग्गां बन्नी किवें लगता अज भी ये एक रेहड़ी ते काम कर रहे पग्गां दे की आया इतने यार अपने पंजाबी बंदे इन्हां नूं चुको उपर बड़ी नौजवानी पुठे सीधे राह भी तुरी हुई है बड़ी नौजवानी नशे जा रही है बड़ी नौजवानी अजिही दुनिया जा रही है पर आपके हथी किरत कर रहे ने कि अपने हथी काम करो वधिया नाले स्ट्रगल करो उच्चा उठो ठीक है। होर भी इतने गाहक आए हुए हैं फिर बई होर गलबात फिर करेंगे पहले गाहकों के गलबात करते हैं। आंटी तुम इतने पहली बार आए हो कि पहला भी आते रहने इतों पहला भी आती रहनी हाँ किमें लगता इन्हों का जो काम कार हों बहुत वधिया है बहुत वधिया इन्हों का सारा खाण पीन का समान भी बहुत वधिया इन्हों का हाँ जी ओके कदे ये नहीं लग्या भी ये सी बाहरों लेके आए या रेड़ी तो लेके आए या इदां दा नहीं कुछ लग्या इदां दा कदी नहीं लग्या हैगा घर वर्गा जिद्दां आपां घर च अपने चीज बना के खाने उदां दा इहनां दा बहुत वधिया हाँ जी ओके। सो गाहकां दे नाल भी गलबात बई तुसी नौजवान हो एक इत्थे नौजवान तुहाडे भरा आप एक युवा हो जहाँ पे ये बना रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? ये मैं हैदराबाद से आया हूँ पिछले हफ्ते मेरे दोस्त है उन्होंने बताया यहाँ देसी घी से बनता है तो पिछले एक हफ्ते से हर रोज़ आ रहा हूँ लेके जा रहा हूँ मैं खाने तो टेस्ट तो बढ़िया है जैसे हैदराबाद में हूँ स्पाइसी ज़्यादा खाता हूँ लेकिन पिछले 4 साल से पंजाब में हूँ मैं लवली में पढ़ा था तो टेस्ट तो बढ़िया है हाइजीनिक है बहुत लोग आ रहे हैं तो मैं भी सोचा हर रोज़ खा ही रहा हूँ मैं। आप हैदराबाद में बात करते होंगे मम्मी डैडी से बोलते होंगे भी वहाँ से मैं लेकर आता हूँ बढ़िया होता है? जी जी ये तो इतना अच्छा है कि मैं सोच रहा हूँ घर लेके जाने के लिए लेकिन टाइम देखते हैं जब घर लेके जाने का वक्त आएगा तो लेके जाएंगे बिल्कुल टेस्ट तो बढ़िया है। आपने नहीं सोचा भी मैं भी इससे साथ थोड़ा बहुत सीख लूँ काम या ऐसा काम? काम मैं ट्राई किया था खाना बनाने के लिए लेकिन अच्छा नहीं बना तो थोड़े दिनों के बाद ट्राई करता हूँ मैं बाद में अभी के लिए तो काम नया ज्वाइन किया पिछले हफ्ते ही वही सीख रहा हूँ।
बाद में ये भी देखता हूँ मैं कर पाता हूँ कि नहीं। गलबात करते हैं बाई होर जिमें कि तुम एक बार बोर्ड दिखा दे रजिंदर, ये जो बोर्ड लगे हुआ आई लव पंजाब, जो पंजाब का नाँ लें तो मूँह भर जाता। पंजाब शब्द ही अजिहा गया जिहड़ा कि समय समय से सरकारां दे नाल पिटदा रहा। गलबात करदे बई तुसी इत्थे आउणे हो आई लव पंजाब लिखिया है ना, पंजाब शब्द ही इहो मूँह भर जाता गा, तुसी लगातार इत्थों लैके जाने होगे खाण पीण नूं, किवें दा लगदा? बहुत घंट भाई बहुत वधिया ने, सानूं घट्टो घट नहीं तो एक साल हो गया बई होरां कोल आउंदे नूं, मतलब अहीं बई नूं तद दे जाणदे जद बई उहनां दी वीडियो भी नहीं आईआं सीगीआं, तो बहुत मेहनत की भाई जी मुंडिया ने। अस तो हर वेले बई होरां नूं कहिंदे आ कि बाबा जरूर साथ दूगा, कम खिची रखो। हूँ भी देखो भाजी घट्टो घट नहीं तो नौ घरे जा रहा मेरे भाजी सारे घरदियों इन्ना शौक है, वह कह रहे हैं कि भाई लेके जरूर आई। मैं स्पैशल घत्तरों आया जी, तो बई होरां कोल लैण लई स्पैशल टिक्कियां सारी पैक कराई आप खादी, तो हूँ बई होरां नूं यही कह के भाजी कम खिची रखो आई है नाल तुहाडे। मैनूं लगदा मदद भी करा रहे सी बई नाल ना? हाँ जी भाजी, वो एक्चुअली मुंडे आ थोड़ा लेट हो गए, मुंडे राती सुते भी नहीं सके, तो मैं आप 5 बजे आया तो मुंडे पहुँचे नहीं सी अजे, तो फिर बई होरें थोड़ी हैल्प की सैट सुट कर, हमने आप लाया तो देखा ही होना, तो बाकी भरा ने जी अपने जरूर हैल्प जरूर करनी चाहिए जी सारे, तो बाकी जिन्ना सपोर्ट सारे करोगे उन्ना वधिया होगा मुंडिया लई जी। हाँ जी हाँ जी बई गल्लां बातां हो गई गाहकां दे नाल भी हो गई होर भी आए हुए ने, थोनू की लग रहा है अज्ज? मैनूं जी बहुत चंगा लग रहा है, तो तुहाडे सामने यही काम कर अपना, सारे कस्टमर खुश होकर जा रहे हैं इतों, तो पुराने चेहरे तो चलो पूछ लियो तुम रिव्यू लेके देख लियो, नवे चेहरे आ रहे हैं सारे हस के जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसा लग रहा है यार बाकी गलबात हैगी फूड के ना, तो अपना स्टार्टिंग फूड से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत वधिया फूड दे रहा बट डेली फ्रैश बनता जी डेली कंज्यूम हो जाता, तो हूँ तो अजकल बहुत ज़्यादा प्रैशर होया पाया काम का, तो असं खुद थक जाते हैं अजय, तो सू अद्धा घंटा तक टाइम नहीं निकलता साडा, अज मैं भाजी दस मतलब कि अज असं लेट हो गया, ब्रदर ने भी बुलाया दोस्त ने साडे नूं यार थोड़ा टाइम घटा दे, घंटा उन्हें भी साडे नाल लगवाता तां वी उसके बाद बावजूद भी असं लेट हो गए। हर किसी का एक एम हुंदा भी मैं आह कुछ करना गा, अजकल तो बड़ा वड्डा एम चक्की फिरदा हर कोई कि मैं तो बस प्लस टू करनी आ आईलैट्स करनी आ तो बाहर जाना कनेडा जाना अमरीका जाना, इधर थले कोई गल ही नहीं करता, थोड़ा की एम सीगा छोटे हुंदिआं तों लैके? मेरा पढ़न दे नाल नाल जी थोड़ा मैं ना बड़े लोगों के ज़्यादा सफ़र किया काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने इफेक्ट ना मेरे माइंड का ऐसा होया कि यार मैं बनना तो ही कुछ बनना ना, तो चलो कपड़े कुपड़े देखे उन्होंने जो भी है लेकिन वो रीज़न बिहाइंड इट की कर रहे हैं ना, मतलब कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार है ना, तो बस फिर उसके पिछे देखे भी हार्ड वर्क होएगा कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क होएगा ना, तो बस उस सोच चलती गई तो रास्ता तो लभ्या नहीं, सपना पैदा हो गया कि यार अपने कुछ करना फूड के रिलेटड, तो कैटरिंग काम करते बस इंट्रस्ट पैदा हो गया, बस कद गलत कामों के नहीं पाया इधर एक यदा ही नशा सगा कद वेले नहीं बैठे सूरज तू ना, तो बस फिर ये शौक भी फाइनली आ गया इतने डन करते असी, काफ़ी साल पहला का सपना सगा ये ऐह लगा लो वो बाबा जी की मेहर हुई है तो सपने साकार होंगे जा रहे हैं। तो बई अजक जवानी है जी, अजक जवानी की गल करिए जवानी बड़ी पुठे सीधे राह कोई पिछे जो देखा गैंगस्टार बन जाते हैं तो कोई नशे की दल दल फस जाता गा, इदां दीआं गल्लां क्यों हुंदीआं ने? तुसीं वी तां इक नौजवान हो, तुसीं वी तां अपना हत्थीं किरत कर रहे हो, बाबे नानक ने जिहड़ा कहा सी किरत करो वंड छको नाम जपो चीज़ नूं तुसीं फॉलो कर रहे हो, पर दूजे क्यों नहीं करदे? ये दूजिआं दा तां खैर पता नहीं लेकिन ऐ गल वो वाहगुरु जी की इन्नी कृपा रही है ना, मैं कहना असीं खुद सरप्राइज़ हो गए यार भी बाबा जी ने सीधी सीधी कृपा करी है ना, वो बाबा जी उन्होंने की स्वार्थ सीगा उस वक्त है ना, तो वक्त के नाल जो भी सोसाइटी अपनी है ना वर्ल्ड ला लो समाज ला लो जो भी है वो तरक्की करता ऐ लगा लो, उस वक्त वो बाबा जी उन्हें ऐसिया गल् सिखा गए अपन गंद कचरा कड़ के, लेकिन वो बावजूद भी अज अपने गंद कचरा दिमाग इन्ना भरया हो लोग होर ही गलत कामों के मतलब कि बस एक नाम नाम का जप रहे हैं, बाकी कॉम्प्लैक्स इन्ना होया पैना उन्होंने पता ही लग रहा भी यार की करना चाहिए की ना, हूँ कई ये नहीं है कि मतलब कि सारे बच्चे हैं मेरे हूँ ऐ लगा लो कि मेरी सिस्टर की ना बेटी आ मैंने पूछा वहाँ बच्चे की बनना तू ना, मैनू कहिंदी IPS बनना, मैं IAS बनना मेरी सिस्टर की कुड़ी कहिंदी, तो मैनू बड़ी खुशी हुई यार जान के, मैं यार बहुत वधिया है ना सोच आ, मैं सच्ची दसा ना बाय गॉड मैं अंदरों खुश हो गया भी दसो हाले छोटी छोटी जी उम्र है दोनों दी है ना, तो उन्होंने मैनू ये गल कही मैनू बड़ा माड़ा माण महसूस होया, हालांकि स्टार्टिंग तो बच्चे पता नहीं होंगे भी करना की है, लेकिन मैं कहा मैं बच्चे तू गलत काम च नहीं पैना, मैं तू कर जो कुछ करना तेन चाहिए ने पैसे या जो भी है तेन सपोर्ट मैं कराँगा ना, मैं तू खिच के रख काम कोई नहीं, मैं बच्चे तू अपने एम पर फोकस कर तेन IPS बनेगी तू है ना फोकस करके चल, तो ऐसे बच्चे भी होंगे, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है जी की करना,
तो आप कह लो वाहगुरु जी की कृपा नाल 3 साल मेहनत करी आ असी साडा कुछ होर ही प्लान से भी चलो यार आप हाले ए ईवन ना मैं अपने जो परसनल अकाउंट है ना इंस्टा से मैं अज तक उत्थे कुछ शेयर नहीं करया है भी मेरा बिजनेस ये आ जे आ वो है ना मैं एक सीक्रेट रखा वह ऐल कह लो बस रैंडमली एक इंटरव्यू लीक हो गया ना भी उसके बावजूद लोगों को पता लग गया फिर मैं उस तो बाद एक पहली फोटो पाती मैं हाँ यार मेरा बिजनेस है ना तो मेरा कोई साडा मकसद कुछ होर सीगा मैं यार आप इतने होर की मकसद मकसद यह भी 5-6 साल आप मेहनत करते इतने है ना भी यार मेहनत कर दे उस तो बाद आप सरेंडर कर देंगे अपने आपू यार असी शॉप ले ली जे वो लेकिन ऐ लो बाबा जी ना सबर परखते हैं वो चंगे वक्त भी सबर परखते हैं तो माड़े वक्त भी सबर परखते हैं तो वह बस साडा सबर ही इम्तिहान साढ़े पास होंदे हुए बाबा जी ने सीधी अचानक कृपा करी अज ऐल कह लो साडी नैचुरल स्टोरी बनेगी अज मेरे इंस्टाग्राम से मैं कुछ ना कुछ पाता रहा मैं ऐल कह लो कि बच्चों की तरह जो मेरे वाइब्स अंदर आदि ना अज कल ना मैं सच्ची दसा ईवन मेरे हिसाब से यह पहली इंटरव्यू होगी जो मैं कॉन्शियस होकर गल कर रहा तो बाकी ना हालांकि वह भी मनी सही से फ्लो दे जो भी गल कर गया है ना वो सारे सच्चे से लेकिन ये कह लो 15 इंटरव्यूज़ के बाद मेरे अंदर ना बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं ये कह लो अजक यह नहीं पता मैं सारा दिन काम करके रात को काम करके राति 2:30 बजे उठ जा 3 बजे उठ जा 5 बजे उठ जा तो उस बाद अगर मेरे कुछ माइंड ऐसा आया मैं ऐ लग रहा भी सीधा वाहगुरु का ना जिमें मेरे अंदर वास हो रहा हों अज तक मैं किसी गलत काम च नहीं पाया ज ऐ लगा लो मैं मतलब ना बहुत शिकायत की रब ना भी बाबा जी तुम ये नहीं कर मेरे ना ये नहीं कर मैं रोया भी बहुत है ना तो फाइनली अज इतें आके मैं टर्न करके देखा यार मैं सक्सैस हाँ ईवन मैं मर भी गया ना तो भी मैं खुश हाँ भी हाँ यार लोगों के दिल से राज कर लिया मेरे सपने फिके ने उत्थे भाजी ऐ लगा लो जो सोसायटी का गंद होंगे कचरा होंगे एक चमत्कार भी हाँ यार ये हो जाएगा लेकिन नहीं एट द एंड अपन यार आप ही करना पैना है ना तो ऐ लगा लो अज मेहनत करके मैं प्रैक्टिकल हो गया मैं ना बिजनेस के कदम इमोशन नहीं यूज़ करता इमोशन यूज़ करने चाहिए ने जिथे मतलब कि जरूरत हो इमोशन उत्थे यूज़ करो लेकिन बिजनेस कदम मैं इमोशन नहीं यूज़ करे बिजनेस इमोशन नाल नहीं चलता होंगे प्रैक्टिकल होकर बिजनेस चलता होंगे है ना तो अज बाबा जी की सीधी इन्नी कृपा हो गई मेरी इंस्टा पर जाके देखियो मतलब कि कदम बच्चे जाले थॉट है ना वो मेरे अंदरों जो आ रहे हैं ना वाइब्स मैं बस वो चिपके देना हूँ उन्होंने चाहे लोग मजाक समझ चाहे कुछ समझ मैं पर इन्नी गरंटी देना एक दिन वो गरंटी देना सेंस निकलेगी एक वक्त उन्होंने पर हाले मैं सरेंडर नहीं करना चाहता वो पिछे एक बहुत व्डे राज ने है ना भी वो ऐल कह लो मेरे अंदर आज सब कुछ लोगों को ऐ लगता यार बच्चा जो है भी हो रहे कदम बच्चे जाली गल कर लगा कदम की कर लगा लेकिन वो पिछे एक ऐल कह लो कि दिल तो निकल रही है जी वो है ना वो दसागा वक्त नाल पर अजे मैं सरेंडर कुछ नहीं करना चाहता नाल के टीवी ते दसोंगे कि जां किसी होर चैनल ते दसोंगे पहला वो तो जी हुण किस्मत देखो चैनल वाले ने किना दी है मैं तो यही कहूँगा पर ऐ लगा लो वो पिछे बहुत वड्डा राजा भी कुछ ना कुछ ऐ कहेगा भी यार एवें भी हो सकता ये जिहड़ी सारी स्टोरी ना ये नैचुरल निकल के आएगी कि यार भी बाकी ऐल गलो अज बाबा जी की इन्नी कृपा ना सारे कुछ पॉइंट ऐ कनैक्ट हो रहे हैं अज एक भी गल का पछतावा नहीं हो रहा ईवन सने 3 साल मेहनत करी ना एहसास भी नहीं होया सने मेहनत करी लेकिन अज वह लोगों ने इन्ना ज़्यादा प्यार दिता सानू खुद को एहसास होने लग गया यार भी यार बाकी अपने ऐसा कुछ करता भी हालांकि आप कुछ सोचे नहीं देगा ना हूँ ऐल गलो कि ऐल गलो वाहगुरु ए कर रहे भी यार सारे पॉइंट ऐ कनैक्ट हो गए भी ईवन असं उत्थे फाइनली सक्सैसफुल हाँ बस असं अपनी नज़र सक्सैसफुल हाँ लोगों की नज़र होना बाकी है बस इन्ना क्या बस मैं लगता है जी अजी इंटरव्यू होगी इस तो बाद हो ही जाओगे लोगों की नज़र भी क्योंकि अब तुम खुल के गल करी पहले देखिया नहीं करते गल आपके काम में उलझे रहेंगे जिम्मे मैं तुम्हें दसिया ना भी एक ना जिम्मे देखो खुशी होंगी है ना भी चलो अपन मेहनत करी बाबा जी ने बाकी हाथ फड़िया नो डाउट है ना मेहनत करी लेकिन जिम्मे मैं तुम्हें दस रहा मैं अपने आप ना होल्ड करता हूँ भी यार ये मेरे नाल की हो रहा 3 साल मेहनत करी कुछ नहीं बस एक सिर सुट के मेहनत कर रहे हैं भी कुछ नहीं पता लग रहा ना तो ये हूँ मेहनत कर रहे हैं ना हूँ ज पता लग रहा है भी यार जो लोगों का रिस्पोंस आ रहा ना भी सानू प्यार मिल रहा है हर एक अंकल आंटी मतलब कि भी यार बच्चे तुम बहुत ज़्यादा सही कर रहे हो ईवन असं अज तक कदम नशा पता नहीं कर मेहनत का नशा कराया हूँ ऐ लगा लो मैं स्टोरीज वगैरह ऐसा कुछ पाँदा रहा भी यार ऐ लगा लो कुछ लोग लाइक करते हैं कुछ लोग नहीं लेकिन मेरा मकसद पता की है उन्होंने स्टोरीज पाने का मैं कहना यार अगर किसी के धी पुत सुधर जाए ना माड़ा मोटा किसी ने क्लू मिल जाए अगर मेरा कोई मजाक भी डाँदा यार मनी स्टोरियाँ कैसी पाँदा है ना मेरे हिसाब से यार कर लो मजाक मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं पैंती अज मेरा माइंड सैट इस लेवल से आ गया मैंने कोई भी फर्क नहीं पैंता अगर 4 गाल भी कोई कट जाए ना मैं उन्होंने भी कहूँगा वीरे थैंक यू ताकि सोच नी मम्मी डैडी ने तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया ना अज ऐल कह लो आप बहुत फ्री माइंड हो ही बैठे हैं ऐन रिलैक्स होकर बाबा जी की हर एक फेस के आप कंडीशन खुश हो गए ना कम कर रहे हैं खुश हाँ आप हर एक बंद की इज्जत करते हैं यही कि थोड़ेटिकली भी हाँ भी यार एक अपने बिजनेस लिए मैं इज्जत कर रहा भी हाँ यार मेरा गेन होगा कस्टमर है ना एक नेचर आ अंदर मैं हर एक बंद की रिस्पैक्ट करना कर रहा हर एक बंद रिस्पैक्ट करूँगा भी ए पिछे स्वार्थ नहीं कोई मेरा मैं रिस्पैक्ट करूँगा जी मतलब कि एक बनती है रिस्पैक्ट हर एक बंद की गलबात करते हैं इतने होर भी जोड़े आए हुए हैं कस्टमर आंटी तुम इतने आए हो लगातार इतने आते रहने देखते रहने
नौजवान फिर भी तुसी चलो आए हो तो इन्हों देखिया नौजवानों किमें लगता तुम तो बच्चों वर्गे मेरे भरा ने सर उपर रहा भी कहना बड़ी वीडियो आ रही जाके टिक्कियां खा के देख के आए उन्होंने अभी सुन के स्पैशल आए हैं इस करके तो आए अभी मोहित मेरा भरा रहा कजन रहा मेरा उन्हें मैंने वीडियो दसिया खा फोन पर भी उसे जाके नेड़े रेंगे नत्त 69 चो आए हैं तो इस करके स्पैशल आए खाना देखने देखने भी कि प्रोग्राम मुंडिया का बाकी तो गल्ला बड़ी सुनी है जिम्मे मुंडा दस रहा जी खुशबू से टिक्किया की रोपड़ तक पहुँच गई तो अज पहुंची है नहीं आई काफ़ी दिन की टाइम नहीं मिले सा बिजनेस का है पट्ठे का काम है साड़ा मैं पट्ठे जाना तो मैं 10 दिन बाद टाइम मिले अच्छे 10 दिन हो गए मैंने पता लगे नहीं अच्छ मैं छुट्टी तो अभी गया नहीं तो मोटी संभाल गया मैं मैं उधर जुड़ा बाकी होर काम अभी घरेलू वो करने से अपने ठीक हाँ वधिया लग्या बेटा बच्चा मेहनत करते हैं बहुत वधिया लग्या मैनू ये वधिया लग्या सो ये तस्वीर ने तुहानू इस वक्त दिखा रहे हैं गल्लां बातां भी हुई ने मैम तुसी आउणे हो इत्थे डेली आउणे हो जिवें आंटी ने दस्सिया सी पहलां कि हाँ असीं इत्थे डेली वांगू आउणे आ ते ये खाने पीने इत्थे भी वधिया लगदा तुहानू किहो जिहा लगदा वधिया लगदा बहुत वधिया अपने बच्चों सिखाया भी आ नौजवान ने इन्हों वांग भी आप कदे अपनी जिहड़ी लाइफ आ मेहनत करके बना सकते वीडियो खा लैण दो बिल्कुल सो ये तस्वीर ने एक बार राजेंद्र दिखा दी इन्हां ने जिहड़ी मेहनत गुरी एक दो गल्लां होर कर लईए आप है ना वैसे कम चल रहा तुहाडा असीं भी छड़ा रहे हैं कम किवें किवें दा लगदा हुण जिहड़े जिवें पासे तो भी रिस्पोंस मिल रहा खास करके तुहाडियां पग्गां नूं देख के आ जांदे ने कई है ना किवें दा लगदा देखो बहुत वधिया लगता सानू स्टार्टिंग घर तो असी दो जने आए थे इत्थे हुण पूरा परिवार बन गया जदों इत्थे आए थे कोई नहीं सानू जानदा सीगा कम लाउण लगे इदा भी लगता सीगा कि यार इत्थे लाउण देगा जां नहीं लाउण देणगे स्टार्टिंग पिंड चो लाया सीगा पिंड दे विच भी सरपंच ने कहा सीगा जिहड़ा सरपंच सी उत्थे दा कि यार इत्थे ना लाओ तुसीं इत्थे रास्ता बंद हुंदा हालांकि बाकी सारे पुछ रहे सीगे जिहड़े ला रहे सी बिना दस्से तो ला रहे सीगे असीं पुछ गए सीगा भी असीं लीगल तरीके नाल लाईए यार असीं पुछ लईए भी पहलां परमिशन ले लईए उन्होंने कहा किसी बंदे ने देखो जो आप राह से तुरी पे ना रास्ते ऐटोमैटिक खुले जाते हैं वो तो सानू असी जी गुरुद्वारा साहब जा रहे थे गुरुद्वारा साहब जाके बंदे ने दसाया असी गल्लां कर ले उन्होंने भी यार असी अपना काम कर रहे हैं कुछ करना असी ने वो कहते यार मेरा एक प्लाट जहा खाली पिया कंबाला पिंड फौजी सी ही तो कहते मेरा प्लाट खाली पाया भी तुम उत्थे ला लो यार कोई चक्कर नहीं अंदरली साइड जी जगह सी ब असी उत्थे लाया तो तकरीबन फिर इदा ला लो भी जिदा ही मतलब सोची गए आप सोचना यह भी एक ना एक दिन यार अगे अगे जाके पहुँचना ही जिथे तक पहुँचना यह ला लो भी साडा कुछ स्टैप असी इत्थे तक आ गए हजे बहुत स्टैप जाने उपर अगे बाकी ने भी ब कंबाला दे विच हो गया 11 फेज दे पेट्रोल पंप कोल हो गया जां स्कूल कोल हो गया तो इत्थे हो गए पहुँच गए लोगों ने तुहाडे वर्गे भरावां ने ला लो होर अपने सरदार भाइयां ने हो गया हिंदुआ ने बहुत सारिया ने हैल्प की साड़ी कि यार सानू दस्या सगो लॉ वाले जिहड़े हैगे सीगे इत्थे कारपोरेशन बारे जिन्हां नूं नॉलेज सीगी उन्होंने सारियां नूं दस्या सानू कि यार तुसीं इह तरीके नाल इत्थे तक पहुँच सकदे हो तो असीं इत्थे लीगल तरीके नाल 11 फेज पहुँचे हाँ हालांकि देखो कारपोरेशन का डर हुंदा उन्हां दी भी ड्यूटी हुंदी है समान चकना जां किसी नूं भी असीं माड़ा नहीं कहिंदे पुलिस वाले पंजाब पुलिस ने साडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की लोग माड़ा कहिंदे ने पंजाब पुलिस नूं जां कुछ होर उन्होंने भी साडी बहुत ज़्यादा सरदार भाइयां ने साडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की कि यार तुसीं काम कर रहे हो तो जे तुसीं तुरे ही हो रास्ते ते इहनूं अगे तक लेके जाओ एक साडे गुरप्रीत सर सीगे हाँ जी हाँ तो असीं पहलां भी उन्हां दा जिक्र किया वो सानू देखण सार ना अखा उन्हां दा आईक्यू लेवल एक इदां दा सीगा कि देखण सार तां दस दिंदे सानू कहिंदे पुत्रो जे अगे तक जाणा तां दोने इकट्ठे रहो जे दोनों इकट्ठे रहे तो बहुत अगे तक जाओगे तो ये असी लड़ बनी हुई है पूरी दोनों ने गल भी जे अगे तक पहुँचना देखो स्टार्टिंग इकट्ठिया ने की ठीक है अगे तक उपर तक इकट्ठे जावे असी स्टार्टिंग तो ये सोच लिया कि यार चलिया तो इकट्ठे अगे जावे जे डुबिया तो दोनों इकट्ठे डुबांगे मेन साडी दोस्ती ये सी लोगों ने बड़ा सानू कहा भी ये गल भी यार तुसीं दोस्तों तुसीं दोस्तों से थोड़ी पार्टनरशिप नहीं चलती हैगी तो कदे ना कदे जाके दोस्ती फिक पै जाती है देखो एक गल मैं कहनी चाहुंदा भी दोस्तों के लोग कहते हैं फिक तो कई बार अजकल भाइयों के भी पै जाती है सखे भाइयों के पर असी एक ये चीज़ लड़ बन ली भी दो घर साढ़े पटियाले ने ते एक घर साढ़ा इतने चंडीगढ़ मोहाली के जिसे असी दोनों जने रहने तो अगे तक असी कट्ठे ही जावे क्योंकि असी वो जिहड़े गुरप्रीत सर सीगे सानू एक गल कहिंदे हुंदे सीगे कि यार कदे भी अपने आप नूं सक्सैस ना समझो ये जिहड़ियां साडियां इंटरव्यू वगैरह हो रही ने ये चीज़ें उन्होंने सानू पहले ही 2 साल पहले ही सानू दस्सदी सीगी कि तुहाडा इन्ने क टाइम पीरियड दे विच तुहाडा ये चीज़ होएगी आईक्यू लेवल उन्हां दा इदां सी हुण उन्हां नूं ब्रेन अटैक आया उन्हां नूं ते ब्रेन अटैक आउण करके उन्हां दी डैथ हो गई सीगी ते अज भी असी सल्यूट करदे हां उन्हां नूं उन्हां दी सोच नूं ते उन्हां दा जिहड़ा सुपना सीगा वो असी पूरा करांगे उन्हां ने एक सुपना लिया होया सीगा थाली दा ठीक है
कि यार एक मैं खाने की थाली बनावगा वैज थाली बनावगा जिन्हों हर एक बंदा खा सकेगा बहुत घट रेट के इन्ना स्वादिष्ट खाना होएगा बिल्कुल प्योर होएगा वधिया खाना होएगा तो वह असी सुपना पूरा करांगे अज नहीं तो कल कदे ना कदे तो सुपना पूरा करांगे सरदा क्योंकि उन्होंने सानू बहुत ज़्यादा उन्होंने असी कह सकते हैं यार उन्होंने बदौलत असी इत्थे खड़े हाँ तो जे उन्होंने सानू साडियां गलतियां दस के ठीक है सानू छांट छांट के सानू कह लो आप जिदा आप कह दें ना भी तरास तरास दें आप किसी चीज़ को वो तरास तरास के सर सानू इत्थे तक लेके आए हैं तो वाहिगुरु मेहर करे तो उन्होंने एक ना एक दिन सुपना असी जरूर पूरा करांगे साढ़े तो बहुत ज़्यादा उम्मीदा सीगिया उन्होंने तो तकरीबन हूँ आंटी जी भी एक दिन आए थे अपने को वाइफ सके जेड़े वो बेचारे आ के साथ रोन लग गए कहते भी बच्चे इदा करो पर उन्होंने भी सानू ये चीज़ दिखी उन्होंने कहा भी मैनू ना मिलो तुसी आंटी ने कहा भी तुसी अपने काम तक ध्यान रखो सानू उन्होंने एक झलक दिख रही थी कि गुरप्रीत सर इन्हां दे विचों बोल रहे हैं जिदा आप कह लिए भी हाँ भी वो चीज़ है भी बचो तुसी यार इत्थे नहीं उत्थे जाओ तुसी पूरी दुबारा होने तुहाडे कोल एक बार बाई नूं पुछ लई बाई तुसी पहली बार आए से अज अज खाधी मतलब उदो तुसी आए सी हुण तुसी खा ली आ इह टिक्की जिहड़ी इत्थे ते किवें दी लगी बहुत टेस्टी वधिया अजे तां दो प्लेटां फालतू खा गए यार उच्च स्वाद ची सो इत्थे होर भी व्यू लैने ने बई तुसी इत्थे डेली आउणे हो कि अज ही आए सी पहली बार ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਆਤਾ ਰਹਤਾ ਥਾ ਬਟ ਕਭੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਬੜੀਆ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਔਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਨਕੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇ ਤਾਜ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਨਕਾ ਉਹ ਹੈ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹਾਈਜੀਨ ਕਾ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਓਨਲੀ अभी कोविड का टाइम है और वो सब चीज़ें हैं और उनको पता है कैसे ये सब चीज़ें होती है सो इट्स गुड अच्छा है अच्छा लगा अंकल जी तुसी कितना टाइम हो गया इत्थे आउंदे नूं इन्हां पहली बार आए जी की देख के आए हो वीडियो देख के आए हो क ओदा तुरे जांदे तुरे निकल रहे रश देख के आए मैं तो भाई हाँ जी मैं तो रश देख के आया बाकी लाइम पीता है बहुत अच्छा लगेगा भाई लाइम पीता बहुत अच्छा लगेगा बाकी टेस्ट लोग लगे हैं वासी विलेज लगे हैं कि चलो कुछ तो खाने अच्छा मिलेगा जी खुशबू तो वधिया आ रही है हाँ बहुत वधिया बाकी लगे हैं देखो जी खा के दसांगे किदा है किदा नहीं जी खा के दस के जाना सानू जरूर जरूर जी दस के जावांगे थोनू किदा दा लगदा जी मैं भी पहली बार आया जी हां जी तुसी भी खा के दसोगे कि हुणी दसोगे दसांगे जी हुण हां जी सो हर किसी नाल गलबात करी आ गुरी नाल एक बार जांदे जांदे फिर गलबात करदे आ गुरी नाल गलबात करदे आ कि इदू बाद दे विच की करना इदू बाद दे विच सुपना की आ गुरी दुनिया का सुपना की है साडा देखो सुपने बहुत वड्डे ने ठीक है टाइम आए तो दसांगे कि किदां आपां जी असी स्टैप बाय स्टैप चलना मैं दस्या ही सीगा कि हजे ला लो कुछ क स्टैप हजे चले हैं इत्थे तक पहुँचे हैं हजे बहुत स्टैप ने जिहड़े वो चलने अजे बाकी ने मेहनत करते रहांगे तो जिन्ने भी लोग सानू देख रहे ने मैं तो एक गल कहिंदा उन्हां नूं कि यार मेहनत ते लग ध्यान दो ठीक है अपनी तुसी इह ना सोचो कि यार मेरे बारे लोग की कहणगे जां लोग अज थोड़ी तारीफ करके जांदे ने इह चीज़ ना सोचो ठीक है क्योंकि ये जिहड़ी तारीफ है कुछ टाइम तक हुंदी है बंदे दी पर जिहड़ी तुहाडी मेहनत है ना इह तुहाडी हर टाइम ला लो भी अज नहीं तक जदों तक तुसी कम करदे हो उदों तक तुहाडी वैल्यू है ठीक है जदों तुसी कम करना बंद कर दोगे कुछ टाइम तक तो लोग तुहानूं फेलियर दा इक तुहाडा इक टैग ला देणगे इतों वधिया तुसी जिथे भी बाहर रह रहे हो फॉरन कंट्री दे विच रह रहे हो इंडिया च रह रहे हो जे तक जॉब करदे हो पूरी मेहनत ते लगन ईमानदारी नाल काम करो ठीक है फिर भी बहुत अगे तक जाओगे तकरीबन असी जेकर जो किसी भी होटल लाइन च काम करते फोर स्टार फाइव स्टार होटलों से काम किया ही मैं तो कित भी काम करते तो पूरे लॉयल्टी तरीके काम करते तो मैं एक गल बार बार हरेक इंटरव्यू दसदा कि गधे के घोड़े वाली एग्जाम्पल अपने दिमाग से बिठा लो ठीक है सानू जिहड़े साडे एम डी सीगे कई साडे नाल दे जिहड़े स्टाफ वाले बंदे सीगे उन्होंने ये गल का बुरा लगता सीगा कि यार गधे ते घोड़े सानू क्यों कह रहे वो चीज़ क्यों कह रहे हैं एम डी पर असल च उन्हां दा समझाण दा होरां दे पता नहीं मैनूं दिमाग च बैठी नहीं बैठी पर मेरे दिमाग च गल जरूर पै गई कि यार देखो कम जे करना तां घोड़े वांग करो गधे वांग कम ना करो भी तुहानूं खिचेगा कोई तो तुसीं फिर करोगे जां तुहाडी लत्त मारेगा पिछों फिर करोगे घोड़े वांग कम करो भी इशारा देख के भी चल यार नंघे आपणा दौड़ के साडे किचन दे विच मेन चो फोटो लाई हुई आ मैं तां कहिंदा सल्यूट आ जी देखो तुहानूं एम डी सर जेकर तुसीं मेरी वीडियो देख रहे हो ठीक है तो तुसीं इही जिहा उदाहरण सानूं दित्तिया तां असीं इत्थे तक पहुँचे ठीक है जेकर सर आपां कहिंदे ना भी देखो चंगा माड़ा टाइम हर एक बंदे ते आंदा रहिंदा लोकां दीआं लॉकडाउन दे विच जॉबां भी चलिया गईआं सीगियां बहुत जणे दीआं कई बंदे हौसला तोड़ दिंदे ने अपना एक तुसीं इह देखो कि एक पंजाब पुलिस दे विच बंदा सीगा जिहड़ा ए एस आई दी पोस्ट ते सीगा साडी बिल्डिंग दे विच रह रिहा बंदा तो जॉब उहदी 10 बजे तो तकरीबन मतलब कि जांदा सीगा 9-10 बजे तो जांदा सी शायद ब्रेक टाइम पता नहीं कुछ हुंदा होगा उहनां दा
उन्होंने मिसिज फैमिली पूरी रहती तो वह सवेर के टाइम से देखो सानू पूछ के कहता भी यार इदा सी असी चाह का काम देखो असी इन्ने टाइम का साडा हैगा असी कर लगे बंद भी जे तुसी जाना तो तुसी कर लो वो बंदा पंजाब पुलिस का ASI देखो इन्ना ज़्यादा देखा हिम्मती बंदा देखा वो अगले दिन कोई एक लेके कहना मैंने अपनी केटली कोटली दे दो कह रहा मैं चाह वेचण वो सब्जी मंडी से चाह वेचण सर पहुँच सकता जो तो गवर्नमेंट जॉब वाले देखो इन्नी मेहनत कर सकते हैं कि रख सकते हैं फिर यार आप लोग जो जे आप कह दें फो हर टाइम बह के फोन तो आप खराब करता जो फिर कह दें आप भी मेरे को टाइम सब तो वड्डी गल कहने भी मेरे को टाइम नहीं असी अज का जेकर अजकल जेकर मान लो असी 7 बजे भी उठ जाने 7 बजे तो उठ के लेके पूरे शाम तक असी काम करते हैं सिर्फ इदा भी नहीं भी 1 घंटे तो असी आराम कर सकी पूरे टाइम के तो जे असी कहने भी असी मेहनत कर रहे पर सानू फिर भी लगता कि यार साडा जिहड़ा असी रात नू जिहड़ा अद्धा घंटा असी फोन नू दिंदे आ जेकर वो अद्धा घंटा असी अपने सौण नू ला दिए तो असी जिहड़ा अद्धा घंटा वो सवेरे उठ के कवर की असी कर सकांगे तो इदां कहना चाहुंदे आ हर एक बंदे नू देखो टाइम की कदर करो अज नहीं तो कल बेहतर है कि बाद च तुसी पछताओ बाद च पछताउण दी बजाय तुसी अज ही वो जिहड़ा टाइम आ तुहाडा उन्होंने कवर करके अपना सीखो लोगों को बहुत कुछ सीखने को पाया तुम बाहर निकल के तो देखो बहुत कुछ है जेकर घर बैठे बैठे तुम अपना कही जाओगे भी हाँ लोगों ने साडा लोग सानू मजाक उड़ाएंगे सानू की कहेंगे देखो 5 साल तक तुम इधर चंडीगढ़ मोहाली जा जाओ जिहड़े थोड़े दोस्त ने 5 साल तक तुम कित्थे होगे थोड़े दोस्त कित्थे होणगे एक दूजे को जानते भी नहीं हो प्लस टू तो बाद लोग कहिंदे ने यार साडी यारी बहुत सी रोना भी आ जांदा कई बार बंदियां दा पर तकरीबन ये देखो भी 5 साल तक कई दोस्त इदां दे हुंदे ने भी जिहड़े सानू मिलदे ही नहीं हैगे काफ़ी टाइम तक तो कई दोस्त इदा के होंगे भी जो सू सा गलबात करते होंगे ने पुछते रहेंगे ने सगों जेकर किसी की जॉब भी लगती है वो बंदा टौंट मारदा भी यार मेरी जॉब लग गई भाई तू की करदा ये पुछता इदा के तरीके बंदा पूछता उदो बंदा नीवा हो के फिर देखता भी यार यदि तो जॉब लग गई मैं की करा मैं कहना मेहनत तो ध्यान दो ठीक है किसी बंदे ध्यान दो मैनू की कहेगा की नहीं कहेगा दोस्त असल घट हो दोस्त हाँ घट होण पर ईमानदार होण असी कदे एक दूजे को देखो लड़ाइया झगड़े होंगे ने नॉर्मल झगड़े होंगे कोई इदा की गल नहीं लड़े भी लड़ाई झगड़े की गल करिए कदे लड़े भी हो आपस में कदे गुस्से हुए हो भी हाँ यार तू यार ऐ नहीं करया तू टिक्की नहीं बनाई अज मैं बनाई हूँ उसे सारिया जाके जा इदा कुछ हुई है गलबात कर हाँ जी सर देखो काम के जो आप काम में लेके चलिए कदे लड़ाई नहीं हुई साढ़े काम के मैटर से जे कदे साडा एक दूजे का कदे गुस्सा भी आ जाता सी ना एक दूजे के कोई गल हो नहीं जिवें रोटी बनानी होगी मेन साडा जिहड़ी लड़ाई पैंदी रोटी पिछे भी यार अज तेरी वारी रोटी दी तू बना अपने काम तो असी कर लाँगे कला भी कर लाँगे जे कोई कहता बंदा कि यार रोटी का तुम मतलब इनू कहता मैं मणि रोटी बना यह कहता यार अज मैं थकया वहाँ भी तू बना ला मैं कहता सी भी नहीं यार कल मैं बनाई सी अज तू बना वो चीज़ पिछे साड़ी थोड़ी हो जाती सी जेकर बंदा कोई कहता थोड़ा लड़ाई के लगता उन्होंने कहना यार बैड की चादर पई है मैं बिछा के झाड़ के दिना भी ये पै जा तो उठना नहीं गा बाकी काम सारा मैं करूँगा फिर अंदरों बंदे शर्म आती यार भी इदा मतलब किदा काम जो दोनों ने अपना इकट्ठा स्टार्ट किया लड़ाई जिनी मर्जी हो जाए पर काम प्रति काम से कदे गुस्सा नहीं इतने काउंटर के आगे कदे किसी से गुस्सा नहीं तकरीबन जो साड़ी लड़ाई होंगी तो वध तो वध साड़ी अद्धे घंटे का गुस्सा होगा अगले बार असं हस के जफ्फी पा के मिलते हैं हर बार तकरीबन सो इतने एक बार मणि के नाल भी गलबात करा पर पहला जोड़े इतने गाहक आए हुए हैं जो खा रहे उन्होंने गलबात करते हैं खा रहे हो जी कहो जहाँ लग रहा कि स्वाद आ स्वाद भी है और उन्होंने प्रेजेंटेशन भी सही है बहुत अच्छा लग्या पहली बार आया मैं वीडियो देखा जी उस तो बाद अज ही आया हाँ जी थैंक यू जी पहला वीडियो देखा था वीडियो दे विच आ भी गए हाँ वीडियो देखा सी नहीं नहीं मैं इन्हां दा वीडियो देखा सीगा फूड लवर तुसी भी आ गए ना अज वीडियो दे विच इंटरव्यू थैंक यू हाँ जी तो मैं फेसबुक ते देखा सीगा तो उस तो बाद मैं टेस्ट करन आया हाँ जी सो ये तस्वीरां ने जिहड़ियां तुहानूं दिखा रहे हैं एक बार इधर भी अंकल जी होरे भी खा रहे तुसी पहला अपनी गलबात हुई है हुण तुसी खा रहे होंगे किदां दा लग रहा किहो जिहा स्वाद आ किहो जिहा टेस्ट पहले बहुत जंगे खाई है लेकिन मैनूं इत्थों दा टेस्ट बहुत ज़्यादा वधिया लगे खाने ये टेस्ट हैगा बाकी बहुत अच्छा टेस्ट कह सकते हैं मतलब बहुत अच्छा है कि मजाक करिए भाई तुसी लै के खड़े हो गल नहीं हैगी लेकिन खाने वाकई टेस्ट बहुत अच्छा है बाकी मेरी भी यही गल कर रहे थे आप पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैं इत्थे पहली बार आई हाँ मैं ये देख के नहीं आई कि मैं टिक्की खाना ही सी मैं सिर्फ ये चीज़ देखी सी इस बच्चों के बीच जज्बा की है मैं नौजवानों नू देखा बस उस करके मैं आई हाँ तो स्पैशल टिक्की तो हर जगह मिल जाती है पर लेकिन ऐसे बच्चे कितने नहीं मिलते वो भी मेहनती जिस तरह कि असी ला लो कि अजकल के बच्चे जगह जगह पर पटक रहे हैं है ना गलत जगह पर पै रहे है नशे च पै रहे हैं जबकि असी उन्होंने ये इन्हों देख के सीख देना चाहवागे कि बच्चों तुसी हारना नहीं है कभी तुम गलत रस्ते च नहीं गलत रस्ते वाले बहुत मिलेंगे तुहानू पर इदा के बच्चे तुहानू कभी नहीं मिलेंगे मेहनती तो बाबा जी जिन्हें तो मेहर हो जाए एक बार तो कहें वह तो बल्ले ही बल्ले है फिर तो बाकी तो असी
ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ। ਮਣੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਸੁਪਨਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਤੇਜ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਉਹ ਵਕਤ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਪਲਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਔਰ ਫੇਮ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਗਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਦ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸੀਕਰੇਟ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਣੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ 6283939455 ਸਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 9877848977 ਇਹ ਮਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਿਖਾਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ 6283 94 93 55
क्योंकि जेकर तुसी साडे कोल खाण पीण लई आउंदे हो सानू एप्रीशिएट करके जाउंदे हो तां असीं इत्थे तक पहुंचे हां ते अगे वी तुहाडा प्यार मिलदा रहेगा तां बहुत अगे तक जावांगे वाहिगुरू मेहर करनगे बाकी सारे भी मेरे वीर भरा जिन्ने भी बाहर बैठे ने सारे नू एक गल दी मैं कहना चाहुंदा भी यार डट के मेहनत करो इधर बारे कोई ना सोचो भी काम छोटा कर दिया बड़ा कर दिया बेशक उत्ते झाड़ू पोछे ही लाने हो कुछ भी करो यार खुल के लाओ कौन देखने वाला यार किने पाँच सालों तक कौन देखेगा कौन जानता थोनू जे तुसी मान लो छोटे तो उठ के जो बंदा बड़ा पहुँचता ना एक दुनिया की नज़र के एक वक्री वैल्यू होंगी है वो कि यार बंदे ने देखो इतों स्टार्टिंग करी तो वो बारे जानने बारे बहुत कुछ ज़्यादा जिन्हों का पिछे तो बैकग्राउंड देखो वधिया बैकग्राउंड आ वधिया बैकग्राउंड तो सपोर्ट है उन्होंने बन गई तो उन्होंने बारे सर कोई नहीं पूछता है कि हाँ यार पता सीगा बैकग्राउंड जिहड़ा बंदा जीरो तो स्टार्ट करके उपर तक पहुँचता वो बारे तकरीबन हरेक नूं सानू बहुत इंट्रस्ट हुंदा सी बहुत लोगों नूं इदां दे मिलदे आ भी जिहड़े लोग खास करके मैनूं इह चीज़ का ध्यान पहलां तो रहिंदा सीगा कि यार जिहड़े लोग स्टार्टिंग तो करे ने ना बेशक उह दुकानदार सीगा एक मसाला बेचने वाले बंदे ने बहुत तकड़े दो तीन शोरूम लाए अपने इत्थे चंडीगढ़ मोहाली दे विच मैं एक देखदा सी उन्हां नूं देख देख के इदां लगदा सी यार भी किद्दां उन्हां दी हिस्टरी सीगी एम डी नाल मेरी बहुत ज़्यादा बनदी सीगी एम डी सर कहिंदे तूं कम कुम यार कर लिया कर कहिंदे ते मेरी लाइफ 'च भी इंट्रस्ट भी तूं इन्ना क्यों दे रहा मैं कहिंदा सी भी सर भी देखो मेरा सुपना बहुत वड्डा भी कम तुहाडा सीख के जिदा भी करके भी असीं कुछ अपना ही करांगे उस चीज़ का तो एम डी सर भी तकरीबन हुण भी सर एम डी सर नाल मेरी गल हुंदी आ हुण जो मेरी लास्ट टाइम गल हुई सीगी वह सर कहिंदे यार गधे घोड़े वाली कहिंदे एग्जाम्पल तू की देनी सीगी उत्थे मैं कहा सर तुहाडा सिखाया होया तुहाडे छांटे होए आ ठीक है तराशे होए आ तुहाडे ते बस इदां ही चलदे रहांगे उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग दीती सानू तो तकरीबन इदा ही मेहरबानी बनाई रखे सब तो मैं लास्ट कहना वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी सो इन्हां दीआं कुछ गल्लां रह गईआं सी जिहड़ियां कि गुरी ने हुण आ के करीआं ने सो इस तों बाद असीं भी अरदास करदे हाँ गुरु महाराज के दरबार के बाहर खड़े हाँ कि ये नौजवानों नूं दिन दुगनी रात चौगनी वाहगुरू तरक्की बख्शे तो इस दे नाल नाल जिहड़े होर भी मेहनत करन वाले ने उहनां दे नाल गल्लबात साडी जारी रहेगी जुड़े रहो के टी वी दे नाल मेरे सहयोगी साथी रजिंदर दे नाल मैनूं हरजिंदर सिंह ढिल्लों नूं दिओ जी इजाजत धन्नवाद